आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी रोशनी के साथ ये एलईडी ब्राइट हो रही है। और 200 वाट का इन्वर्टर भी इस पर वर्क करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब कोई भी लिथियम बैटरी ले सकते हैं इस टाइप की। आप लैपटॉप की पुरानी बैटरी भी ले सकते हैं जो कि हमारे पास ये है। आपको यहाँ पर एक डेड बैटरी लेनी है जो किसी काम का नहीं है, और आपको इधर ऐसे ही कट करना है। अब इसको अंदर का सब बाहर निकालना है। देखिए हमने इसको अंदर से निकाला सब। इसको हमको अल्मोनियम शीट और क्रॉपर शीट निकालना है। और भी इसको सेम इसी तरीके से खोलना। ये जो इसमें आपको काला काला दिख रहा है ये ग्रेफाइट है जो पेंसिल की में भी यूज होता है। इसमें अब क्रॉपर शीट और अल्मोनियम शीट को हमको निकालना है। देखिए हमने इसको अच्छे से धोकर निकाला। ये बहुत ही आसानी के साथ कट होता है, इसलिए इसको बहुत सावधानी के साथ धोना है। देखिए अब आपको ऐसे ही शीट्स इसके बनाने हैं छोटे छोटे। अब हमें इस पर सोल्डिंग करना है। क्रॉपर पर आसानी से सोल्डिंग हो जाएगी पर अल्मोनियम पर सोल्डिंग नहीं होती है आसानी से। अब हमें ऐसे इनको वायर से जोड़ना है। देखिए इसको हम ऐसे ही बंद कर लेंगे। इसको बहुत ही मजबूती के साथ बंद करना है, लूज कनेक्शन नहीं रहना चाहिए। अगर लूज कनेक्शन रहेगा तो ये वर्क नहीं करेगा, फिर बोलोगे इसने फेक दिखाया। हमारे चैनल पर आपको कोई भी फेक वीडियो नहीं मिलेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो हमने बहुत ही ऐसे जोड़े। इसको सेम आप ही इसी तरीके से लगाना। अब आपको इधर कोई भी ऐसे डिब्बे लेने हैं। हम आइसक्रीम का डिब्बा लेंगे, आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैं लूँगा वैसे आप भी करना। देखिए इसमें हम अल्मोनियम लेंगे और इसमें एक क्रॉपर रहेगा और दूसरे में भी दोनों रहेंगे एक एक गिलास में। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे सेम तरीके से आप भी करना। देखिए ये दो कनेक्शन अब आउटपुट देंगे ये दो। हम इसमें वापस निकाल देंगे। इसमें अब हम पानी ऐड करेंगे। देखिए हमने इसमें पानी डाला। अब हम इसमें सॉल्ट भी ऐड करेंगे एक एक चम्मच एक एक कप में। अब हम इसमें अच्छे से सॉल्ट मिक्स करेंगे। अब हम पहले एक कप की वोल्टेज चेक करेंगे कितने वोल्टेज दे रहा है। इस पर वोल्टेज पर सेट करते हैं। 0.36 वोल्टेज दे रहा है एक कप। अब हमने सब में शीट्स डाले। अब हम इसको पहले थोड़ा सा चार्ज करेंगे। देखिए चार्ज हो रहा है 12 वोल्ट हम इसको चार्ज में दे रहे हैं। देखिए इसमें थोड़ा गंदा गंदा सा भी पानी हो रहा है। अब हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए हमने इसमें बैटरी को निकाला। हम इसके मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करेंगे। ये 7 वोल्ट से थोड़ा ऊपर दे रहा है। देखिए ये इस पर वर्क करेगा कि नहीं। ये डीसी लाइट इस पर चलती है, डीसी एलईडी जो भी आपके पास हो। एसी इस पर वर्क नहीं करेगा। ये थोड़ा कम ब्राइट हो रही थी इसलिए हम इसके साथ और डिब्बे जोड़ेंगे। हमने पहले इसका सब कुछ काम किया क्योंकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। चलिए अब हम इसके वोल्टेज पहले चेक करेंगे। देखिए
अर्थ 9 वोल्ट ये दे रहे हैं। अब इस पर 200 वाट का इन्वेटर चेक करेंगे कैसा चलता है। देखिए थोड़ा वर्क करता है, इस पर कुछ भी नहीं चलता है इन्वेटर पर। देखिए ये डीसी एलईडी इस पर अच्छे से वर्क करता है, ये 10 मिनट तक तो चलती है, उसके बाद बंद हो रही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना।